ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕਾਵਾਂਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਮੀ ਜੀ ਜੀ ਆਖਾਂ ਇਸਕਾ ਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੇਸਕੋਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈ ਢੀਠ ਕਿਤਨਾ ਹੈ क्या पता कि वो छांव कितनी हसीन होती है। अच्छा तुम तो शहरों में भी नहीं गांव में भी नहीं तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। सानू श्री की छांव क्यों नहीं लभनी? इसलिए कि तुम श्री के ऊपर रहते हो हम श्री के नीचे बैठते हैं। आफताब साहब ने तुसी सालियां ला सलूक क्यों कर दे हो? ए जी मेनू गुफ्तगू जहर लगदी तू देख रहा खाम खा मेरे पीछे आप देखो जहर लगती इतना माइंड करदा अल्लाह जानदा इहदा बणदा ही नहीं। तू पिंड दा रहण वाला नहर दे पैर धोंदा सा गिल्ली जुत्ती पाली तेनू इन्नी समझ नहीं सी कि खुशक करके पाई दी है पूरी जुत्ती ला के कहिंदे सन इकबाल साहब जबरदस्त तिन्ना दिनां च खुली कर लैंदा सी अड्डा बेवकूफ आदमी अरे किस तरह कह कुआ के वड्डा आदमी सी शायर आदमी कह कुआ के रिक्वेस्ट है ये पास पूस करवाता है ये पोए हो गया। अच्छा जी हमें एक जरूरी बात कर लेना। अच्छा जी आपको हुक्के की आदत कहाँ से पड़ी? ए जरूरी गल जी मैं ध्यान इस तरफ करना चाहता हूँ क्यों मेरे साथ आड़ा लगाते हो? अच्छा बड़ा आदमी किस तरह बन गया है अनपढ़ मुल्क है गफलत दा मारिया हड राम मुल्क है। अच्छा मैनू काउंसलर समझदा पिया सुहाग दा रौला पाया तू तो बरिश का जमाना मसवाक करे कड़वी करे बेवकूफ इस वक्त राइज हो रही है बड़े फैशन में आ रही है $10 का पैक मिलता है अमेरिका में यूरोप में भी सर इसको ट्विक कहते हैं। यार दा शो ही मानना मैं भावे बीच काम करना मैं कई दफा देखे बारे जी पीर का शो नहीं मैं किया मैं यार कैसा भाज चुप करो इतना काबिल आदमी है मैं पिंड की लस्सी पी पी तगड़ा होया याददाश्त बड़ी अच्छी है। अच्छा पिंड की लस्सी पीने से याददाश्त अच्छी हो जाए आटी की लस्सी पहन तो सारा पता बहस ना जितना चाटी की लस्सी का यादाश्त से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं खुदा के वास्ते अल्लाह देते हैं हमें काम कर लेने काम करें मेरा भी एक रोल है मैं भी काम करना है। अच्छा नहीं हमें कुछ तो आगे बात कर लें दो रिक्वेस्ट करोगे तो मैं सोच अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेहरबानी तरला मैं तरला ही कर रहा हूँ बहुत नफीस है जफर इकबाल साहब सुभान अल्लाह इन्हें के नफीस आदमी ने जफर इकबाल साहब मैं मिले कई दफा हालांकि ये वाले साहब और मेरे वाले साहब नफीस नहीं हो सकते मेरे वाले साहब नफीस नहीं हो सकते मेरा स्टाइल ही मलक नो केयर का वो नफीस हो ही नहीं सकता। अच्छा मैं समझा अच्छा मैं समझा हकीम तो किसी ने तत्ता पानी पाता है। देखो ना क्या हरकतें करता है इसको मुझे लगता है कि सिर्फ कैमरा लेने के लिए ना खाम खा मेरे साथ आड़ा लगा लेता है। सर इतना बड़ा आदमी के फूल है तुम्हारी जिंदगी मैं क्या हूँ चमन में उगाएगा क्या हमें अब से गयारा इस तरह का बंदा पोलाइट शेर कहने वाला मतलब ओदा पुत्र अल्लाह बैडा ना डांडे किधर जाए बंदा दा थोड़ा डांडी वे इधर और मेरा डंड ऐसा कभी भी नहीं था पता नहीं ये किसी सैंडो को आफताब समझता है मेरा डंड ऐसा नहीं था मेरी टांग इतनी मोटी है। क्यों जी पहले मैं ये अर्ज करने लगा हूं हकीम साहब को कि ये लाहौर शहर जिसमें आप बैठे हैं जी जी ये उन्हीं की कौम ने बनाया भाटिया कौम ने ये भाटी गेट जिसकी यादगार है अब आपको समझ आई कि ये किस तरह एक है सारा उसकी एक बीवी इंतहाई चहेती बीवी डिस्ट्रिक्ट मियां वाली से थी पिपला से जहां से आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और चीज पड़ी है अल्लाह जाना गुजराले जाना रेस्ट नहीं करता गड्डी ड्राइवर चला रहे हमला गुजरा वाले तक दीवारा पड़ देते हैं खड़े किसी की बदवा किसी स्टूडेंट की बदवा चीन हेल्थ सेंटर काली खांसी का इलाज तीन मरला स्कीम पहले आए पहले पाए ये क्या रफीक बिल्डर्स मैं बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी अच्छा, मैंने बड़ी दफा कहा है कि बोर्ड्स पढ़ने नहीं चाहिए आप सिर्फ देखते रहें पढ़े मत क्योंकि वो फोटोग्राफ की तरह ना मेमोरी स्लेट पे वो खाम खा चढ़ते जाते हैं नक्श हो जाते गैर जरूरी चीज आप क्यों थोड़ी सी तो 10-12 टेराबाइट की हमारी हार्ड ड्राइव होती है उसको रिलीव आप करते रहा करें आपकी ये सारी हार्ड ड्राइव खाली होती है 10-12 की जी हार्ड ड्राइव नहीं सिर्फ साड़ी है ये 10-12 करोड़ की है। शोएब नजीर ने कितना अच्छा शेर निकाल दिया इसी मौजू पे जी कि बैनर पे लिखे हरफे खुशामद पे जो खुश है दीवार पे लिखी हुई तहरीर भी देखे काश ये तहरीर शोएब नजीर भी देखे हाँ वल
पढ़े लिखे लोग आपस में भी दुख बोलते रहते हैं। उस दौर में जब जंग हुई थी 250 बंदा उधर होता 160 इधर होते सन, कहना फतेह कर लिया हाय में चोले जाए जाना ये आवी ने कोल आन के छोले जबने हमने फतेह कर लिया ऐसे खुश हो जाना नहीं अगे किले से जाना तो सताना बंदे किले जाके मुबारक देना ले ना लाहौर जो को बंदा होता ना कितने कख कंडा नहीं सी। तो अकबर जब लाहौर में आता था शिकार करने तो 25,000 आदमी तकरीबन उसका हंका होते थे लाहौर से उकाड़ा तक, वो जंगे करवा रहा है 300-300 आदमियों की। पहले से रहने वाले को गल है, मैं कहूँ कुछ किया नहीं यार, बिल्कुल आप खिलाफ वाकया बात जो कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा सारे उकाड़ा तक शिकार होता था जी, ये दरियाए ब्यास और रावी के दरमियान और शेरगढ़ आज भी शिकारगाह मौजूद है शेरशाह सूरी की। और चीते यहाँ पे थे, जंगली जानवर था, जानवर था यार, जंगल से जानवर नहीं होना सी, और उसे अफसर बैठे होंगे सन नहीं वड्डे बोर्ड के थले डीसीओ बैठा है उधर ना जाना, भाजी वड्डा थानेदार बनिया है उत्थे